उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में एक संदिग्ध और यूपी एटीएस के बीच मुठभेड़ जारी है। दोनों ओर से फायरिंग के चलते पूरे इलाके को खाली करवा लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस संदिग्ध का नाम सैफुल्ला है, जो कानपुर का रहने वाला है। यह शख्स खुद की शहादत देने की बात कर रहा है, जिसे सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। वहीं यूपी पुलिस के ADG ने जानकारी दी है कि इसके एक साथी को कानपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद अब इसे दबोचने का अभियान जारी है। आपको बता दें कि इन सभी संदिग्धों के तार आज भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में हुए धमाके से जोड़ कर देखे जा रहे हैं। इस धमाके में करीब 10 लोगों के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि इस ट्रेन हादसे के बाद MP पुलिस ने धमाके से जुड़े सुराग तलाशने के लिए सबसे पहले भोपाल रेलवे स्टेशन के CCTV फुटेज को खंगाला। पुलिस को रेलवे स्टेशन के फुटेज में कुछ संदिग्ध नजर आए थे, जिसके बाद पुलिस ने आसपास के अन्य फुटेज को भी खंगाला, तो पुलिस को 4 संदिग्धों के बस में सवार होकर होशंगाबाद की तरफ रवाना होने की जानकारी मिली। इस जानकारी के आधार पर होशंगाबाद पुलिस को अलर्ट किया गया, जिसने पिपरिया में टोल नाके से 4 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि पिपरिया में पकड़े गए चारों संदिग्धों ने प्रारंभिक पूछताछ में ही काफी अहम जानकारियां दी, जिसके आधार पर कानपुर से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ के आधार पर अब UPATS ने ठाकुरगंज इलाके में दबिश दी है। तो लखनऊ में अभी भी फायरिंग जारी है। यूपी पुलिस कोशिश कर रही है कि इस संदिग्ध को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए। आपको बता दें कि कल यूपी में 7वें चरण का मतदान होना है और आज हुए इस एनकाउंटर के बाद अब यूपी की सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। देखते रहिए DB Live।